नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉवल स्टोरीज ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे चैनल की तेनाली रामा सीरीज की नौवीं कहानी को, जिसका नाम है मनहूस और महामनहूस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सुखदेव नामक एक व्यक्ति को लेकर पूरे विजयनगर में यह बात प्रसिद्ध थी कि सुबह सुबह जो भी उसकी सूरत देख लेता है उसे पूरे दिन अन्न नसीब नहीं होता। उड़ती उड़ती यह बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों को तक भी पहुंची। तब महाराज ने सोचा कि इस बात की जांच करनी चाहिए, ऐसा मनहूस व्यक्ति तो राज्य में रहने योग्य ही नहीं है। यही सोचकर उन्होंने सुखदेव को बुलवाया और रात में खूब खातिरदारी करके अपने कक्ष में ही उसका बिस्तर लगवा दिया। महाराज सुबह सुबह उठे और सबसे पहले उसे उठाकर हालचाल पूछा, फिर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए। किसी कार्य में वह इस प्रकार उलझ गए कि खाने की बात क्या कहें, समय पर नाश्ता करना भी ना मिला। खैर, दोपहर हो गई और महाराज के सामने खाना परोस दिया गया, मगर तभी रानी निवास में कोई ऐसी घटना घटी कि महाराज को उठकर जाना पड़ गया। गर्ज ये कि शाम तक किसी प्रकार की घटनाएं घटती रही और महाराज को खाना नसीब नहीं हुआ। अब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यह व्यक्ति सचमुच मनहूस है और इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। अतः उसी समय उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म जारी कर दिया कि कल शाम तक इस व्यक्ति को सरेआम फांसी दे दी जाए। सिपाहियों ने सुखदेव को फौरन गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। सुबह होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई कि आज शाम को मनहूस सुखदेव को महाराज के हुक्म से फांसी पर लटकाया जाएगा। यह बात तेनालीराम के कानों में भी पड़ी और पलक झपकते ही वह सारा माजरा समझ गए। वह फौरन निर्दोष सुखदेव के पास पहुंचे। सुखदेव ने रो रोकर उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस प्रकार महाराज ने उसे एक रात तक अतिथि बनाकर फांसी का हुक्म सुना दिया है। तेनालीराम जी, अब आप ही बताएं कि मेरा क्या कसूर है। मनहूस या भाग्यवान तो ईश्वर बनाता है, इसमें कोई प्राणी क्या कर सकता है। कृपा करके आप मेरी मदद करें, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। चिंता मत करो सुखदेव, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, तेनालीराम ने कहा। फिर धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगे। समझ गए? जी हाँ, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। तेनालीराम वहां से चले गए। शाम को सैनिक आए और उन्होंने सुखदेव से पूछा, सुखदेव महाराज का आदेश है कि यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तुम हमें बता दो। दरोगा जी, निर्भीक होकर सुखदेव बोला, मैं सारी प्रजा के सामने यह बात करना चाहता हूँ कि मैं मनहूस हूँ और जो भी सुबह सुबह मेरी शक्ल देख लेता है उसे भोजन नसीब नहीं होता। मगर महाराज मुझसे भी बड़े मनहूस हैं, जो मैंने उनकी शक्ल देखी थी और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। क्या वक्ता है, दरोगा आंखें निकाल कर गुर्राया। जानता है क्या कह रहा है तू? महाराज ने सुन लिया तो क्या फांसी से भी कोई बड़ी सजा है जो मुझे दे सकते हैं? सुखदेव व्यंग्य से मुस्कुराया। जाओ दरोगा जी, जाकर महाराज को बता दो कि ये मेरी अंतिम इच्छा है। सिपाही दौड़े दौड़े महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंचे और उन्हें सुखदेव की अंतिम इच्छा बताई। सुनते ही महाराज सन्नाटे में आ गए और बोले, हम उसकी फांसी की सजा रद्द करते हैं, उसे फौरन हमारे पास लाओ। सिपाही उसे लेकर आए तो महाराज ने उसे सम्मान सहित अपने पास बैठाया, फिर बड़े ही प्यार से पूछा, सच सच बताना सुखदेव, यह बात तुम्हें कैसे सूझी? मुझ मूर्ख को ऐसी बात कहां से सूझ सकती है महाराज, मृत्युदंड पाकर तो वैसे ही मैं अपनी सूझबूझ खो बैठा था। यह तो भला हो तेनालीराम जी का जिन्होंने मुझे यह युक्ति सुझाई। ओह, महाराज को झटका सा लगा, फिर वो बोले, तेनालीराम धन्य है जिसने एक निर्दोष को फांसी से बचा लिया। फिर महाराज ने सुखदेव को बहुत सा इनाम दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। हमारी पुरानी कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।